सीएम धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। वहीं सीएम ने पुलिस कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों के सरकारी आवास बनाने के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए राशि आवंटित करने की घोषणा की है। साथ ही पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3,500 रुपए की वृद्धि करने की घोषणा की है। साथ ही 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और एसडीआरएफ कर्मियों को प्रदान किए जा रहे उच्च तुंगता भत्ता 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यों के पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों का है। पिछले एक साल में संपूर्ण भारत में अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के कुल 216 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के 4 वीर सपूतों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपये की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3,500 रुपये की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। और 9,000 फीट से ऊंचाई कर जो लोग काम करते हैं उनका भी 200 रुपये जो प्रतिदिन का उच्च तुंगता भत्ता होता था उसको 300 रुपये करने का लिया है। और समय समय पर हमारे पुलिस अच्छा काम करे और उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए हम पूरी सरकार प्रतिबद्ध होकर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। आज के इस स्मृति दिवस पर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के अंदर और राज्य के अंदर, हमारे 4 पुलिस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। राज्य का गठन हुए भी लगभग 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में हमारे 70 से भी अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि पिछले एक साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से, जो इस साल हमें पुलिस के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी और पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु वाहनों में, भवनों में और अन्य चीज़ों के लिए जो हमें जिस तरह से हमें धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में जब ये सारी चीज़ें धरातल पर साकार होंगी तो इसके आप जहाँ उत्तराखंड की जनता को, यहाँ की मीडिया को और यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को इसके मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।